हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खूबसूरत शेर की। इस शेर ने जो अपना हाई बनाया था वो लगभग 4.5 रुपये के आसपास बनाया था, लेकिन दोस्तों आज इसने फिर से लोअर सर्किट के बाद इसने अपर सर्किट स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि फिर से अपना हाई तोड़ेगा और ये अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी सही टाइम है इसमें एंट्री लेने का और क्या हो सकता है इसका अगला टारगेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इंटरडे के लिए फ्री कॉल्स दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि इसने आज अपर से लगाया और बहुत सारे लोगों को लग रहा हुआ कि अभी ये फिर से अपर सेक्ट में जाएगा और जो उसका हाई था 4.5 रुपये के आसपास वो भी ये तोड़ेगा। बट दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आप इसके अंदर फैसिलिटी ना लें। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये शेयर इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये शेयर 2.50 रुपये और 3 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, अभी आप इस शेयर के अंदर ट्रैप ना हो, आप इस शेयर से थोड़ा दूरी बना कर रखें। इस शेयर में एक पॉजिटिव बात यह है कि ये शेयर अभी ना GSM स्टेज में है और ना ही ASM स्टेज में है, जो कि ये शेयर एक पॉजिटिव साइन के साथ है। इस शेयर ने अपनी जर्नी लगभग 50 पैसे से स्टार्ट की और जो कि 4.5 रुपये के आसपास ख़त्म की। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इसमें 50 पैसे या 1 रुपये के आसपास भी इसको बाय किया होगा, तो फ्रेंड्स, उन लोगों को बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। दोस्तों, पैनी से जितने रिस्की होते हैं उतना ही प्रॉफिटेबल भी होते हैं। अगर चल गया तो आपको चांद तक ले जाएगा, यानी कि आपको माला माल कर देगा, और अगर ना चला तो जहाँ पर है वहाँ तो फिक्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज इसके अंदर जो गेम हुई है वो ऑपरेटर की गेम हुई है, आपको इसमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी आप इसमें ट्रैप ना हो, आप इस शेयर से थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि दोस्तों अभी तक शेयर मार्केट में ऐसे कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से इस शेयर में अपरेटर के लगे। ये सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले आप खुद अध्ययन करें, खुद इसमें स्टडी करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बट दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।